जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, हम आ चुके हैं प्रेम सरोवर और कराते हैं इस प्रेम सरोवर के अद्भुत दर्शन। परिक्रमा अभी यहाँ से कुछ ही देर पहले निकल के गई है, क्योंकि परिक्रमा सुबह ही निकल जाती है लगभग 4 बजे से 5 बजे के बीच में। और ये जो स्थान है ये गाजीपुर गांव में पड़ता है, तो यहीं पर प्रेम सरोवर बहुत ही अद्भुत महिमा है इस प्रेम सरोवर की, तो आपको चल के अवगत कराते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये है प्रेम सरोवर और यहीं पर प्रेम बिहारी जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं। उन प्रेम बिहारी जी के दर्शन आपको कराते हैं, पहले कराते हैं इस प्रेम सरोवर के दर्शन। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये है लीला। ये लीला यहाँ पर राधा रानी जी और कृष्ण जी आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद वो नौका विहार की लीला होती है जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रेम सरोवर के दर्शन, और यहीं पर अगर आप सामने देखेंगे तो प्रेम बिहारी जी विराजमान हैं गाजीपुर मथुरा। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कितने ही अद्भुत ये दर्शन आज यहाँ पर आप कर रहे हैं इस प्रेम सरोवर के। हम आपको यहाँ पर प्रेम बिहारी जी के अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं, कितना अद्भुत दृश्य यहाँ पर प्रेम सरोवर के आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहीं पर ये सुदामा कुटी प्रेम सरोवर में ही विराजमान है, जो कि अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो चलते हैं हम प्रेम बिहारी जी के दर्शनों के लिए, जो कि बहुत ही अलौकिक और दिव्य दर्शन। ये देखें, ये हैं प्रेम बिहारी जी, और जो कि बहुत ही अद्भुत हैं। यहाँ पर यात्रीगण आते रहते हैं और यहाँ बड़ी ही अद्भुत महिमा है। तो चलते हैं, प्रेम बिहारी जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मंदिर का प्रवेश द्वार के बिल्कुल बराबर में ही प्रेम सरोवर लीला यहाँ पर लिखी हुई है। ये देखें आप, कितनी अद्भुत लीला। तो ये आप देख रहे हैं, ये है सुदामा कुटी, जो कि बहुत ही अद्भुत है। बढ़ते हैं इस सुदामा कुटी की तरफ और कराते हैं आपको यहाँ पर दर्शन। अभी यहाँ पर श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है इस मंदिर के अंदर, जिसकी वजह से अभी यहाँ पर दर्शन का लाभ आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये है बहुत ही सुंदर और अद्भुत स्थान है और बहुत ही रमणीय स्थान है। ये बिल्कुल प्रेम सरोवर के सामने ही आप स्थान देख सकते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं और कराते हैं आपको यहाँ के अंदर के दर्शन। ये आप देख रहे हैं, कितनी अद्भुत यहाँ पर लीलाएं लिखी हुई हैं, और चारों तरफ से ये भगवानों की यहाँ पर लीलाएं बहुत ही मन को प्रसन्न करने वाली हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भागवत जी का चल रहा है। हम आ चुके हैं यहाँ पर सुदामा कुटी में। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ के जो सेवायत हैं उनसे पूछते हैं यहाँ की महिमा के बारे में। राधे राधे। हाँ बोलो। किस तरीके का यहाँ पर जो मंदिर है ये सुदामा कुटी, यहाँ पर किस किस के दर्शन हैं और कैसे यहाँ की क्या महिमा है? राम जी हैं, सीता हैं, लक्ष्मण हैं, कृष्ण जी हैं, राधा रानी हैं, और लक्ष्मी मैया हैं, विष्णु भगवान हैं, हनुमान जी हैं, शंकर जी का मंदिर है, सुदामा जी हैं। तो एक ही मंदिर में सब हैं यहाँ पर? अच्छा। महिमा के बारे में आपने कुछ बताया? महिमा की यही है कि सुदामा जी गांव में तो तब किया। हाँ जी जी, तब किया था, तो मांग के खूब लावता है, साधुओं को खिलावता है, यही तब किया है।
तो यहाँ पर सुदामा जी ने किया है तप। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, कराते ये हमारे यहाँ पर सरोवर है, भगवान का सुदामा जी का कुटी बना हुआ है यहाँ पर। ये सब मनीता है जो कि परिक्रमा होता है यहाँ पर, यही सब होता है। तो आपने देखा यहाँ पर कितना सुंदर भाव है। यहीं पर एक और संगीतमय मंदिर है, उसके भी आपको यहाँ पर दर्शन कराते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है संकीर्तन मंदिर, यहाँ पर कीर्तन चलता ही रहता है। ये देखें आप, बहुत ही अद्भुत राम सीता जी का यहाँ पर भजन चलता रहता है, कीर्तन होता ही रहता है। और ये स्थान अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, जो कि आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं सुदामा कुटी के। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको बताते हैं इस प्रेम सरोवर की कथा। तो साथियों, इसी स्थान पर राधा और कृष्ण जी दोनों बैठे हुए थे, और जभी एक ऐसी अद्भुत लीला हुई जिसका आपको हम वर्णन सुनाते हैं। कैसे राधा रानी जी को ऐसा लगा कि जैसे कृष्ण चला गया है। तो इस कथा को आप अंत तक सुने, क्योंकि बहुत ही अद्भुत कथा है। इस तरीके की कथाएं आपको वैसे सुनने को नहीं मिल पाती हैं। तो होता क्या है कि श्री कृष्ण जी और राधा जी यहीं प्रेम सरोवर पर एक बार बैठ गए और दोनों आपस में बातें करने लगे। जब आपस में बातें करने लगे तो उनको लगा, राधा रानी जी को, कि मेरे पीछे बारों पर कोई बैठा हुआ है। जैसे बोहरा होता है, तो वो बोहरा बार बार राधा रानी जी को परेशान करने लगा। जब वो बोहरा परेशान करने लगा तो राधा रानी जी बड़ी ही परेशान होने लगी। और वहीं पर श्री कृष्ण जी के एक सखा थे जिसका नाम था मधुमंगल। तो मधुमंगल बोलता है राधा रानी जी से कि राधे, ये देखो, ये जो तुम्हें परेशान कर रहा था मधुसूदन चला गया। तो राधा रानी जी बड़ी ही व्याकुल हो गईं। श्री कृष्ण जी वहीं पर बगल में बैठे थे और श्री कृष्ण जी का नाम, इन्हें कहा कि मधुसूदन चला गया, क्योंकि बोहरे का नाम मधुसूदन भी होता है और श्री कृष्ण जी का भी नाम मधुसूदन था। तो राधा रानी जी बड़ी परेशान हो गईं, व्याकुल हो गईं, बोलने लगीं कि ये क्या हो गया, कृष्ण को क्यों मुझे छोड़कर चला गया, आज तो कोई बात भी किसी भी तरीके से नहीं हुई और ये मुझे छोड़कर क्यों गया। तो तब मधुमंगल बोला कि मधुसूदन चला गया। और राधा रानी जी इसी सोच में थी कि मधुसूदन श्री कृष्ण क्यों चला गया। तब उनको बहुत ही ज़्यादा रोने लगी, यहाँ पर उनको इस प्रेम सरोवर के पास ही वो रोने लगी और श्री कृष्ण जी को याद करने लगी। तब श्री कृष्ण जी भी इसी स्थान पर रोने लगे और उनके आँखों से भी आंसू निकलने लगे, क्योंकि श्री कृष्ण जी को इतना प्रेम करने वाली राधा रानी जी इस तरीके से उनके जाने पर रुदन करती हैं, ये श्री कृष्ण जी को तभी पता चला था। तो ऐसी अद्भुत महिमा है इस प्रेम सरोवर की। तो आप यहाँ पर कर रहे हैं प्रेम सरोवर के दर्शन। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे वे भी इस प्रेम सरोवर की और हमारे कृष्ण जी की जुड़ी हुई लीलाओं का अद्भुत आनंद ले सकें। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय।